दोस्तों आरवी मौर्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा हैंडवेल डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और कुछ इमेज भी डाउनलोड कर लिया है। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा हैंडवेल डिजाइन कैसे करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आप सभी को बता दें कि आपको यहाँ पर कॉर्नर में जो है शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे कि हम माउस का कौन सा बटन दबा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा शॉर्टकट लगा रहे हैं, सारी जानकारियां आप सभी को यहाँ पर भी मिलती रहेगी। मैं इन सभी को फिर से बाहर कर लेता हूँ। हैंडवेल की जो साइज रहेगी वो 1/8 की साइज, नहीं 18x23/8 की साइज। तो टूल्स में जाए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। अब इसकी साइज में कर देता हूँ 5.5x8.5, ये है 1/8 की साइज। इसी के अंदर हम सेट करेंगे इन सभी मैटर को। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि टॉप साइड में इस इमेज को यहाँ पर सेट कर लें, बिल्कुल फुल मैं इसकी साइज में बढ़ा के सेट कर लेता हूँ और बॉटम साइड से कुछ डिज़ाइन कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है 3-point कर्व, इसी का यूज करके हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ और दूसरा क्लिक थोड़ा सा टॉप साइड में रखते हैं, फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे और माउस को बॉटम साइड में लाएंगे तो इस तरीके का जो है यहाँ पर कर्व देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, फिर सेम तरीका अपनाएंगे, फिर से कर्व यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरीके से। अब इस एरिया को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं टॉप साइड में भी कुछ डिज़ाइन बना लेता हूँ जहाँ पर हम सेट करेंगे कंपनी का नेम। तो उसके लिए भी हम 3-point कर्व टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, दूसरा क्लिक जो है यहाँ पर कर देते हैं और फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे, माउस को हम लाएंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आपको शेप देखने को मिल जाता है और फिर जो है इसका हम डुप्लीकेट करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली मैं बॉटम साइड में ड्रैग करता हूँ और फिर इसको लेफ्ट साइड में खींच देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अब इस एरिया को हम सब स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इस इमेज को हम इस रेक्टेंगल से बाहर कर लेते हैं। अब इस एरिया को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करेंगे। टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इस पार्ट को फिल करते हैं, इसको। अब इन सभी लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है और चाहे तो इसकी साइज थोड़ी सी आप और बढ़ा दें। उसके बाद इस इमेज को मैं इसमें कर लेता हूँ पावर क्लिक। यहाँ पर मैंने दो इमेज इंसर्ट किया था इसमें सेट करने के लिए। आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, फिलहाल ये मैं इसमें सेट कर लेता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड इसमें मैंने कर दिया है, साइज इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं तो पावर क्लिप के अंदर ही कंट्रोल अल्ट बटन प्रेस करके जो है आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस का तो ये हो जाएगा सेलेक्ट और फिर इसकी साइज बढ़ा दें। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हैं तो फिर आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना पड़ेगा तो पावर क्लिप ओपन हो जाएगा, फिर आप सेट कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं कंपनी का नेम। तो बस्ती जो है मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ और गवर्नमेंट को जो है इसके बॉटम साइड में लगा देते हैं। साइज इसकी हम बढ़ा देंगे, बिल्कुल फुल रखेंगे और जस्ट बॉटम साइड में सेट कर लेते हैं। गारमेंट इसकी साइज छोटी रखेंगे, इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। तो जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे आप फॉन्ट अपने हिसाब से रखेंगे और कलर भी इसका हम सब चेंज करेंगे। तो इसमें हम ब्लू से रिलेटेड या फिर रेड कलर भी फिल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इसमें फिल कर देता हूँ ब्लू कलर। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करते हैं, इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं, यहाँ पर सियान कलर फिल करेंगे और इसमें जो है वाइट कलर फिल कर देते हैं और ड्रॉप शैडो का यूज भी कर देंगे। तो सिंपली ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करेंगे, बॉटम साइड, बॉटम नहीं बल्कि लेफ्ट और बॉटम में ड्रैग करेंगे
और फिर कंट्रोल के से ब्रेक, लेकिन उससे पहले जो है इसके फेदरिंग को मैं कम कर लेता हूँ, 5 कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल के से करेंगे ब्रेक, कंट्रोल जी से कर लेते हैं ग्रुप। अब ये जो व्हाइट कलर का डिज़ाइन है, चाहे तो टॉप साइड से येलो भी फिल कर सकते हैं, तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर येलो कलर फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब इसमें हम फिल करेंगे व्हाइट कलर और गारमेंट का जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ येलो, और इसमें ब्लैक शैडो का इस्तेमाल भी करेंगे। टूल्स में जाएंगे, ब्लैक शैडो टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ पर एडजस्ट कर लें, कंट्रोल के से ब्रेक कर देंगे। अब इसका कलर जो है डार्क ब्लू में कर देता हूँ, सिंपली ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और इस कलर को मैं सिंपली यहाँ से डार्क कर लेता हूँ। ये हो जाता है, इन सभी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से चाहे तो आप ग्रुप कर लें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ब्रांडेड सोरो, इसको हम किसी स्टाइलिश फॉन्ट में यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मैटर है, ये जो किड्स वेयर मेंस वेयर, इन सभी को हम एक रेक्टेंगल में सेट कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें यहाँ पर और इसके कॉर्नर को मैं हल्का सा राउंड कर लेता हूँ, लगभग इतना राउंड करेंगे और इसमें हम फिल कर लेते हैं ग्रीन कलर और आउटलाइन नन, इसको हल्का सा मैं रोटेट करा देता हूँ इस तरीके से और इस पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट से मैं बॉटम में ड्रैग करता हूँ और इसमें फिल कर लेते हैं ग्रे कलर और ट्रांसपेरेंसी टूल का भी इस्तेमाल कर देते हैं और शिफ्ट के साथ कर लेंगे, पेज डाउन भी शिफ्ट के साथ कर लेते हैं। मोड चाहे तो इसका आप चेंज कर लें, तो सिंपली नॉर्मल की जगह कर लें यहाँ से मल्टीप्लाई। उसके बाद ग्रेडियंट भी बना लेते हैं, तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम डार्क कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखते हैं, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। फिर डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर यहाँ पर थोड़ा सा हम लाइट कर लेते हैं, यानी सियान में 80% कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ तेजअप करेंगे और इसी के अनुसार जो है इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। पहले अगर आपको साइज बढ़ानी है तो साइज बढ़ा दें और फिर इसी के अनुसार जो है क्रॉस कर लेते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों को भी सेट कर लेंगे और इस रेक्टेंगल का जो कलर है वो भी चेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर लिया है, अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर सेट भी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है अच्छे सस्ते कपड़े, इसको भी किसी शेप में ही ड्रॉ कर लें। तो इसके लिए टूल्स में जाएंगे, पॉलीगन टूल सेट करते हैं और एसेंबली इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के साथ ही इसके पॉइंट को जो है मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं 30। शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको अंदर की साइड लाएंगे और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसमें हम फिल करेंगे रेड कलर, आउटलाइन नन कर देते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम कुछ डिज़ाइन और कर लेते हैं, तो उसके लिए टूल्स में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं थ्री पॉइंट कर्व टूल, एक क्लिक यहाँ, दूसरा यहाँ, इंसर्ट कर लेते हैं इस तरीके से एक शेप, एक लाइन फिलहाल अभी इंसर्ट किया है और फिर से जो है इसमें हम अप्लाई करते हैं थ्री पॉइंट। व्हाइट कलर फिल करने के साथ ही इसको हम कर देते हैं बिट मैप मेनू में जाकर बिट मैप कर दिया। एक बार फिर से बिट मैप मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है टेक्सचर, इसके अंतर्गत आपको मिल जाता है प्लस टिक, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जैसे आपने क्लिक किया आप देख सकते हैं प्लस टिक इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है इसी में हम टेक्स्ट को भी सेट कर लेंगे, तो सिंपली इस टेक्स्ट को हम सेट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेसअप करेंगे, कलर इसका कर लेते हैं येलो, यहाँ से हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से भी इंटर कर देते हैं। उसके बाद जो है ये इमेज है इसको भी हम सेट कर लेते हैं, तो जस्ट इसी के बगल में जो है इमेज भी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, तो बगल में स्पेस है यहाँ पर हम इमेज भी सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है इन सभी बचे हुए मैटर को बॉटम साइड में सेट कर लेंगे। टूल्स में जाएंगे,
और थ्री पॉइंट सेलेक्ट करते हैं सिंपली, एक क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, सेम तरीका अपनाएंगे, बॉटम साइड में लाएंगे कर्सर को या फिर टॉप में ले जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन क्रिएट हो जाता है। इसकी साइज बढ़ा देता हूँ मैं हल्का सा और टॉप साइड में ले जाते हैं, इस तरीके से जो है यहाँ पर डिजाइन क्रिएट हो जाता है। अब इसको स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर दें, तो तरीका सेम है, इन सभी को कर लें यहाँ से कट। इस लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जो पुराने डिजाइनर हैं उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं, उनको पहले से आइडिया है कि स्पेस छोड़कर ही डिजाइन हमें करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया, उसके बाद जो इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, और इसके आउटलाइन को नन करेंगे, और इसमें अब हम सब कलर फिल कर लेते हैं। तो इसमें भी हम फिल करते हैं पर्पल से रिलेटेड कलर। पहले मैंने मैजेंटा कलर फिल कर लिया, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर 50% मैं इसमें सियान कलर मिक्स कर देता हूँ, मैजेंटा और कम कर लेते हैं, 75 कर लिया, तो इसको और डाल देते हैं, 8% कर लेते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप कुछ और कलर फिल करना चाहें, जैसे कि अभी ये सिंपल सा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है इसका, इसकी साइज मैं यहीं पर बड़ी कर देता हूँ, या फिर टूल्स में जाते हैं और यहाँ से थ्री पॉइंट कर्व टूल सेलेक्ट करते हैं, एक क्लिक में यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, और इस तरीके से सेप इंसर्ट करते हैं। सेप टूल का इस्तेमाल करके और भी एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करने के साथ ही दोबारा से मैं थ्री पॉइंट कर्व टूल अप्लाई करता हूँ और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब इसमें कलर भी फिल कर लेंगे, तो इसमें हम फिल कर लेते हैं येलो से रिलेटेड कलर, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और लाइट करता हूँ, 15% कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल करके राइट साइड से ट्रांसपेरेंट भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कलर जो है थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसमें हम फिल कर देते हैं ग्रीन से रिलेटेड, ये सही लग रहा है, या फिर आप पिंक से रिलेटेड भी फिल कर सकते हैं। येलो मैं इसमें कम कर देता हूँ, 90% कर लेते हैं, और इन सभी का कलर अगर आप फिल करना चाहें तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, बॉटम साइड से मैं कोई लाइट कलर जो है इसमें रख लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कलर फिल कर लिया है। अब ये जो डिज़ाइन इस रेक्टेंगल से बाहर जा रहा है, तो इन सभी को ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल डिसलेक्ट हो जाता है, बाकी सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं, इसको भी पावर क्लिप कर लेंगे, ये पावर क्लिप नहीं हुआ, शिफ्ट के साथ फेस डाउन कर देते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही आसान सा डिज़ाइन देखने को आप सभी को मिल जाता है। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।